ये एक बिल्ली के आईपीएस अधिकारी बनने की मनोरम कहानी है जो एआई द्वारा बनाई गई है। एक दृश्य में एआई ने कल्पना की कि एक बिल्ली और उसके पिता भूखे और उदास दिख रहे थे। भूख के कारण बिल्ली के पिता को मछली चुराने के लिए मछली बाजार में जाता है। जब बिल्ली के पिता मछली चुराते हुए पकड़ा गया तो एआई ने विक्रेता और बिल्ली के पिता के बीच एक गहन क्षण की कल्पना की है। एक रोमांचकारी छवि में बिल्ली के पिता को चोरी की मछली के साथ सड़क पर दौड़ते हुए दिखाया गया और लोग उसका पीछा कर रहे थे। एआई ने पीछा करने के तनाव की कल्पना की है। एआई ने उस क्षण की भी कल्पना की जब बिल्ली के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक दिल दहला देने वाले दृश्य में एआई ने बिल्ली के पिता को जेल में रोते हुए दिखाया, जिससे दुख की भावना पैदा हुई। एक अन्य दृश्य में बिल्ली के बेटे को पुलिस से अपने पिता को जेल से रिहा करने की गुहार लगाते हुए दिखाया गया, लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। जैसा कि एआई द्वारा कल्पना की गई थी, एआई ने बेटे बिल्ली के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की भी कल्पना की, क्योंकि उसने आईपीएस अधिकारी बनने के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया था। एक अन्य छवि में बेटे बिल्ली को एक बैकपैक के साथ स्कूल जाते हुए सीखने के लिए तैयार देखा गया, जो एआई को प्रभावशाली लगा। कक्षा में एआई ने कल्पना की कि बेटा बिल्ली एक केंद्रित और दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ लगन से पढ़ाई कर रहा है। एआई ने उस गौरवपूर्ण क्षण की भी कल्पना की जब बेटे बिल्ली को स्कूल में प्रथम आने के लिए पुरस्कार मिला। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ और एक आईपीएस अधिकारी बन गया, एआई ने उसके एक जिम्मेदार प्राधिकारी व्यक्ति में बदलने की कल्पना की। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद बेटे कैट ने उस जेल का दौरा किया जहां उसके पिता को रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एआई द्वारा एक मार्मिक पुनर्मिलन हुआ। जेल से रिहा होने के बाद अपने पिता को गले लगाते बेटे बिल्ली की छवि विशेष रूप से मार्मिक थी, जैसा कि एआई द्वारा कल्पना की गई थी।